ओके, साइबर पंक 2077 इस तरह के कुछ थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं शाओमी डिवाइसेस के लिए। एक और नया थीम है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है मुझे थीम अभी तक। साइबर पंक 2077 अगर आपको नहीं पता तो ये काफ़ी ज़्यादा इस समय पॉपुलर चीज़ है, ट्रेंडिंग चीज़ है, आप जाके सर्च कर सकते हैं साइबर पंक 2077। इसमें आपको ब्राइटनेस स्लाइडर में बिल्कुल टेक्स्ट देखने को मिलेगा, जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर आपको हेडर में तो टेक्स्ट देखने को मिलेगा मिलेगा, जितने भी इसके आइकन्स हैं वहाँ पर भी आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थीम। ऑनेस्टली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी सारी साइबर पंक थीम्स हमने ट्राई करा है, उसमें आपको जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, साइबर पंक का वॉलपेपर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको साइबर पंक का वॉलपेपर देखने को नहीं मिलेगा। और जितने भी आइकन्स हैं वो आपको जिस तरह से आप बोल सकते हो नियॉन आइकन पैक, जो अगर आपने ट्राई किया हुआ कभी तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल अगर आप डार्क मोड यूज़ कर रहे हैं तो भी, अगर डार्क मोड नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो ये डार्क मोड में काम इस तरह से करेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो आइकन पैक है ये तो बिल्कुल डार्क मोड का ही है, लेकिन जो यहाँ पर मैं सेटिंग्स वगैरह आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वहाँ पर लाइट मोड यूज़ कर रहा हूँ मैं, लाइट मोड में इसको हम यूज़ कर रहे हैं, डार्क मोड में इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको इसमें एक और चीज़ लेके चलूँ, यानी कि मैसेजेस ऐप में अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलर है वो थोड़ा सा येलो कलर आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा हैवी थीमिंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो डायलर पैड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल हैवी थीमिंग आपको यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूआई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप स्टेटस बार के आइकन आपने ऑलरेडी देख लिए, जो नंबर 5 वाला आइकन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, और जो इसका मेन्यू का आइकन और डायल पैड ओपन इनेबल और डिसेबल का वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास ब्लू और येलो का कॉम्बो देखने को मिलेगा, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। और बिल्कुल शाओमी डिवाइसेस में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कस्टमाइज थीम का, तो बिल्कुल आप कस्टमाइज थीम कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगा ये थीम। उसके अलावा इस थीम में अगर किसी और चीज़ की बात करेंगे यानी कि सेटिंग्स, तो बिल्कुल एज़ एक्सपेक्टेडली बहुत ही कमाल की सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। MIUI का जो लोगो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन साइबरपंक 2077 जो ऊपर हेडर में इमेज देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी 3D शेप में आपको देखने को मिलेगी। जितने भी सेटिंग्स के लेफ्ट साइड के आइकन्स है वो नियॉन आइकन पैक अगर आपने भी देखा था होम स्क्रीन में, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो टेक्स्ट के कलर्स हैं वो आपको येलो कलर देखने को मिलेगा। सब मेनू के अंदर एंट्री करने वाले जितने भी एरोज़ है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे देखने में, पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे थीम। उसके अलावा आप देखेंगे जितने भी आप हेडर में देखेंगे, जैसे सब हेडर्स या जब भी आप ओपन करेंगे किसी भी सब मेन्यू को, तो आपको जो ऊपर हेडर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, डायनामिक हेडर देखने को मिलेगा। बैक चेस्ट बिल्कुल कमाल का एरो आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा थीम लगा मुझे अभी तक। ये थीम थीम स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे ट्राई आउट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, स्वाइप करने पर आपके पास म्यूज़िक का विजेट देखने को मिलेगा, उसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करेगी, बाकी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम यूआई आपको देखने को मिलेगी। नीचे आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। वैसे इस हफ्ता आज की इस वीडियो में इस थीम का जो थीम स्टोर का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हैं CYB, बस आपको यही सर्च करना है आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा इसका जो MTZ फाइल का लिंक है वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। गुड बाय। Yeah.